द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 7 फ्रीडम। अपने टाइम पर कंट्रोल पाना वेल्थ से पाया जाने वाला सबसे बड़ा फायदा है। सक्सेस की हाईएस्ट फॉर्म हर सुबह उठकर ये कहने की कैपेबिलिटी है कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लोग खुशी पाने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल सब्जेक्ट है क्योंकि सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन सुख का अगर कोई कॉमन डिनोमिनेटर है वो ये है कि लोग अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने टाइम तक, ऐसा कर पाने की कैपेबिलिटीज अमूल्य हैं। ये प्राइसलेस है। ये सबसे बड़ा डिविडेंड है जो वेल्थ से मिलता है। एंगस कैम्पबेल मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट थे। वे 1970 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे टाइम पर रिसर्च की जब साइकोलॉजी बहुत ज्यादा उन डिसऑर्डर पर केंद्रित हुआ करती थी जो लोगों को खत्म कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किजोफ्रेनिया। कैम्पबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। 1987 में छपी उनकी बुक द सेंस ऑफ वेलबींग इन अमेरिका ये कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, लोग आमतौर पर जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्लियर रूप से औरों से बेहतर नजर आ रहे थे। और आप उन्हें नेसेसरी रूप से इनकम या ज्योग्राफी या एजुकेशन के बेस पर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी ग्रुप्स में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे पावरफुल डिनोमिनेटर आसान था, कैम्पबेल ने खुलासा किया। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल की एक गहन अनुभूति सुख के पॉजिटिव इमोशंस का ज्यादा विश्वसनीय प्रिडिक्टर है बजाय जिंदगी की उन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के जिन पर हमने गौर किया। आपके सैलरी से ज्यादा, आपके घर के साइज से ज्यादा, आपके काम की रेपुटेशन से ज्यादा, आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ, इस पर कंट्रोल सबसे बड़ा लाइफस्टाइल वेरिएबल है जो लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। वेल्थ की सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू जिसका इससे ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता, आपको आपके टाइम पर कंट्रोल प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटीज हैं। थोड़ा थोड़ा करके इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का एक लेवल हासिल करना जो अनस्पेंट एसेट से मिलता है, जो आपको इस बात पर ज्यादा कंट्रोल देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। वेल्थ की एक छोटी अमाउंट का मतलब है उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की कैपेबिलिटी जब आप बीमार हों बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ी और अमाउंट का मतलब है नौकरी गवा देने के बाद भी एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े। ये जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने के इमरजेंसी फंड का मतलब है अपने बॉस से डरकर ना रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ टाइम लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे ज्यादा वेल्थ का मतलब है कम सैलरी लेकिन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वाली नौकरी चुनने की कैपेबिलिटीज, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम टाइम लगता हो, या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की कैपेबिलिटीज बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। फिर रिटायर होना जब आप चाहते हो, न कि जब आपको रिटायर होना पड़े। अपने पैसे को टाइम और ऑप्शंस को खरीदने के लिए यूज करने के जो लाइफ टाइम बेनिफिट्स हैं उसका मुकाबला शायद ही कुछ कंट्रोल चीजें कर सकती हैं। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक इन्वेस्टर बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वे पैसा बहुत कमाते हैं। बस एक यही स्ट्रांग मोटिवेशन था और मुझे 100% विश्वास था कि जब मैं ये पा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अपने जूनियर ईयर में लॉस एंजलिस के एक इन्वेस्टिंग बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप हासिल कर ली और मुझे लगा कि मानो करियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले ही दिन में मैं जान गया कि इन्वेस्टर बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं। जितना मुझे लगता था कि इंसान झेल सकते हैं, वे उससे कहीं ज्यादा लंबे और कंट्रोल्ड टाइम के लिए काम करते हैं। सच में ज्यादातर लोग ये नहीं झेल सकते। आधी रात से पहले घर जाना विलासिता समझा जाता था, और ऑफिस में एक कहावत थी, अगर आप सैटरडे को काम पर नहीं आते हैं तो संडे को लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये नौकरी इंटेलेक्चुअल रूप से स्टिमुलेटिंग थी, सैलरी भी अच्छा देती थी और मुझे इंपॉर्टेंट होने का एहसास भी कराती थी, लेकिन मेरे टाइम का हर एक पल मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरी जिंदगी का सबसे दुखी एक्सपीरियंस बनाने के लिए काफी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहाँ सबसे डिफिकल्ट बात यह थी कि मुझे ये काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था, लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग करना जिस पर आपका कोई कंट्रोल ना हो, वो ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना हो जो आपको एकदम नापसंद हो। इस इमोशन का एक नाम है, साइकोलॉजिस्ट इसे रिएक्टेंस कहते हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक मार्केटिंग प्रोफेसर जोना बर्जन ने इसे इस तरह समराइज किया। लोग ये महसूस करना पसंद करते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में है, वो ड्राइवर की गद्दी पर है। जब हम उनसे कुछ करवाने की कोशिश करते हैं तो वे डिसएम्पावर्ड फील करते हैं। ये महसूस करने के बजाय कि उन्होंने खुद कोई ऑप्शन चुना, उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वे या तो ना कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही ऑप्शन चुना होता। जब आप ये मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सच है, आप समझ सकते हैं कि पैसे को ऐसी जिंदगी के साथ अलाइन करने में अमेजिंग रिवॉर्ड मिलता है जिसमें आप वो कर सकें जो आप चाहें, जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट डेरेक सीवर्स ने एक बार एक दोस्त के बारे में लिखा जिसने उनसे उनके अमीर बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 पर ईयर कमाता था, लगभग लो वेजेस। न मैंने कभी बाहर खाना खाया और ना ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का टोटल खर्च $1,000 पर मंथ था।
और मेरी मंथली इनकम $1800 थी। मैंने 2 साल तक ये नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 ईयर का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे टाइम के लिए म्यूजिशियन बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल जाएगा, इसीलिए मैं आज़ाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को एक कहानी सुनाई, उसने पूछा आगे क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची उसके बाद क्या हुआ। मैंने कहा उससे मेरी ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, उससे बस मेरे बैंक में ज़्यादा पैसे आए। बदलाव तब आया जब मैं 22 साल का था। दुनिया की हिस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे अमीर देश है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ के सिटीजन ऑन एवरेज 1950 की तुलना में ज़्यादा खुश हैं। जब वेल्थ और इनकम काफ़ी कम थी मिड लेवल पर भी, 2019 में 140 देशों में 150,000 लोगों पर किए गए गैलप सर्वे में पाया गया कि 45% अमेरिकन सिटीजन्स ने कहा था कि उन्होंने पिछले दिन काफ़ी चिंता का एक्सपीरियंस किया। ग्लोबल एवरेज 39% था। 55% अमेरिकन सिटीजन ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफ़ी तनाव का एक्सपीरियंस किया। बाकी दुनिया के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहाँ देखा गया उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया है, लेकिन साथ ही हमने अपने टाइम पर ज़्यादा कंट्रोल भी गंवा दिया है, और ये दोनों उत्तम रूप से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 1955 में महंगाई से कंबाइन होकर मिडिल क्लास फैमिली की इनकम $29,000 थी। 2019 में ये $62,000 से कुछ ज़्यादा थी। हमने उस वेल्थ का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया है जिसको 1950 के डिकेड में कोई मिडिल क्लास फैमिली इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। एक एवरेज अमेरिकन घर में अब रहने वालों के नंबर से ज़्यादा बाथरूम हैं। हमारी कारें ज़्यादा तेज़ और एफिशिएंट हैं। हमारी टीवी ज़्यादा चीप और क्लियर हैं। लेकिन हमारे टाइम के साथ जो हुआ है वो डेवलपमेंट के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, और इसका कारण काफ़ी हद तक हम में से ज़्यादातर लोगों के एम्प्लॉयमेंट का स्वभाव है। जॉन डी रॉकीफेलर अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। साथ ही वे एक एकांतवासी भी थे और अपना ज़्यादातर टाइम अकेले बिताना पसंद करते थे। वे बहुत कम बात करते थे, जानबूझकर खुद को इनएक्सेसिबल बनाए रखते, और जब भी किसी की ओर उनका ध्यान जाता तो भी चुप रहते। एक रिफाइनरी वर्कर जो कभी कभार उनकी बात सुनता था, उसने एक बार बताया वो बाकी सबको बात करने देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। जब बैठकों में उनसे उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो रॉकीफेलर ज़्यादातर ये कविता पढ़कर सुनाते। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था ओक के पेड़ पर। जितना ज़्यादा वो देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम वो बोलता उतना ही ज़्यादा सुनता। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं हैं? रॉकीफेलर काफ़ी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकीफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे डिसीजन लेना था। रॉकीफेलर का प्रोडक्ट उनका डिलीवरेबल वो नहीं था जो अपने हाथों से या फिर अपने शब्दों से करते थे। उनका प्रोडक्ट वो था जिसे वे अपने ब्रेन में सोचा करते थे, इसीलिए वे अपना ज़्यादातर टाइम और एनर्जी वहीं लगाते। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही ज़्यादातर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस टाइम में वे लगातार अपने ब्रेन में काम पर लगे रहते थे और प्रॉब्लम्स के समाधान ढूंढते रहते थे। ये उनके टाइम में यूनिक था। रॉकीफेलर के टाइम में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। 1870 में इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गार्डन के अकॉर्डिंग 46% एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग रिलेटेड था और 35% क्राफ्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। कुछ ही प्रोफेशन वर्कर्स के ब्रेन पर डिपेंड करते थे। आप सोचते नहीं थे, आप मजदूरी किया करते थे बिना अवरोध के, और आपका काम प्रत्यक्ष और भौतिक हुआ करता था। आज ये पलट चुका है। अब 38% एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स, ऑफिशियल्स और प्रोफेशनल्स के रूप में डेजिग्नेटेड हैं। ये डिसीजन मेकिंग काम है, और 47% सर्विस वर्क हैं जो ज़्यादातर आपके विचारों पर भी उतना ही डिपेंड करते हैं जितना आपके काम पर। हम में से ज़्यादातर के पास ऐसी जॉब है जो 1950 के किसी प्रोडक्शन कर्मी के बजाय रॉकीफेलर के काम से ज़्यादा मेल खाता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा दिन फैक्ट्री से निकलने के बाद खत्म नहीं होता। हम लगातार अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार बनाने का है तो जब आप असेंबली लाइन में ना हो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। आप काम से अलग होकर अपने इक्विपमेंट्स फैक्ट्री में छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग कैंपेन बनाने का है, एक थॉट बेस्ड और डिसीजन लेने का काम, आपका इक्विपमेंट ब्रेन है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। आपके ट्रैवलिंग के टाइम, खाना बनाते टाइम, अपने बच्चों को सुलाते टाइम और एंग्शियस होकर सुबह 3 बजे नींद से जागने के टाइम आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहेंगे। आप शायद 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हों, लेकिन लगता ये है कि आप 2400 घंटे काम कर रहे हैं। द एटलांटिक के डेरेक थॉम्सन ने एक बार इसे कुछ इस तरह प्रेजेंट किया। अगर 21st सेंचुरी के ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एक पोर्टेबल डिवाइस है तो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न फैक्ट्री जैसी कोई जगह ही नहीं है। ये अपने आप में पूरा दिन ही है। कंप्यूटर एज ने प्रोडक्टिविटी के टूल्स को ऑफिस से आज़ाद कर दिया है। ज़्यादातर नॉलेज वर्कर्स जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन पोर्टेबल ऑल पर्पज मीडिया मेकिंग मशीन है, वे थ्योरेटिकली अपने मेन ऑफिस में दोपहर के 2 बजे भी उतने ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं जितना टोक्यो वीवर्क में सुबह के 2 बजे या फिर आधी रात को सोफे पर।
पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने टाइम पर कंट्रोल बहुत कम हो चला है, और चूंकि टाइम पर कंट्रोल सुखी होने के लिए मेन रूप से प्रभावकारी है, तो इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले ज्यादा वेल्दी होने के बावजूद ज्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस प्रॉब्लम का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए पहला कदम यह समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। जेरोंटोलॉजिस्ट कार्ल प्लीमेर ने अपनी बुक 30 लेसंस फॉर लिविंग में लगभग 1000 बड़े अमेरिकन्स का इंटरव्यू किया, ये जानने के लिए कि उनके डिकेड्स के लाइफटाइम एक्सपीरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है। एक ने भी, हजारों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि सुखी होने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितनी आप कर सकें, ताकि आप पैसा कमा सकें जिससे वो सब खरीद सकें जो आप चाहते हैं। एक ने भी, हजार में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों जितना वेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आपके पास उनसे ज्यादा है तो आप इनफैक्ट सक्सेसफुल हैं। एक ने भी, हजार में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आपको अपनी जॉब अपने फ्यूचर की अर्निंग कैपेबिलिटीज के बेस पर चुननी चाहिए। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया वो थी गहरी दोस्ती, खुद से बड़े गोल का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया अनस्ट्रक्चर्ड टाइम बिताना। आपके बच्चे आपका पैसा नहीं चाहते, या वो जो पैसे से खरीदा जा सकता है, जितना वे आपको चाहते हैं। खास तौर से वे चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, प्लीमेर ने लिखा।